हे गाइस, गुड इवनिंग। सो आज मैं बादलपुर में ही था, कल की प्लानिंग है कि कल मैं भोपाल जाऊं, तो आज सोचा कि चलते हैं थोड़ा आसपास के क्षेत्र को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज मैं जा रहा हूं चोपना, तो यानी चोपना 1, 2 और 3 को एक्सप्लोर करने वाला हूं। दोस्तों, जब हम पुंजी की तरफ से आते हैं यानी शाहपुर की तरफ से, तो चोपना यहाँ से शुरू होता है। यह है विश्वास फ्यूल पॉइंट, जो कि चोपना क्षेत्र का पहला पेट्रोल पंप है। यहाँ से 1 नंबर चोपना प्रारंभ होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पहले के, तो पहले यहाँ पर पूरी तरह से जंगल हुआ करता था, खेत हुआ करते थे, मगर धीरे धीरे विकास होता गया और धीरे धीरे लोगों ने बहुत सारे अपने घर बना लिए, बहुत सारे दुकान बन गए। ऑलमोस्ट हर तरह के दुकानें, मेडिकल स्टोर वगैरह आपको यहां पर मिल जाते हैं। यहाँ पर रिसेंटली कुछ शॉपिंग मॉल्स भी ओपन हुए हैं, जैसे सुपर मार्ट है। यहाँ पर जो है कुछ हार्डवेयर की दुकानें हैं। तो दोस्तों, पहले चोपना काफी सिमटा हुआ था, बहुत छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और आज काफी विकसित हो चुका है। यहाँ पर हार्डवेयर की दुकान है जहाँ पर काफ़ी सारे सामान अवेलेबल हैं। इस तरफ भी दुकानें हैं, ये ज्योति प्रिया जनरल स्टोर एंड गिफ्ट सेंटर और मेकओवर। यहाँ पर ग्राम पंचायत है चोपना का। यहाँ पर हार्डवेयर की दुकानें भी हैं, यहाँ पर सीमेंट सरिया की दुकानें हैं, इधर भी हार्डवेयर की दुकानें हैं। यहाँ पर दोस्तों एक जिम भी ओपन हुआ है अभी रिसेंटली। तो इस तरह से जो है 1 नंबर चोपना यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, मैं जा रहा था और मुझे जो है अनोज भाई मिल गए, और ये जो है अब हमारे कस्टमर भी हैं, साथ ही हमारे छोटे भाई के दोस्त भी हैं, और ये भाई भी इनसे मिलने आए हुए थे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है पहले ये बताइए। आशीष भैया, आपका वीडियो बहुत मस्त लगता है, जो कि जैसे भी जो लोकेशन में आप जाते हैं, जैसे यूनिक यूनिक जगह जो देखते हैं, थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगता है, तो आनंद आता है देखने। तो सारे वीडियोस देखते हो आप? हाँ, सारे वीडियोस देखते हैं। चलो चलो, जिस किसी बंधुओं से हम यही सजेस्ट करें कि आशीष भाई का जो भी ब्लॉग का जो है, उसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज भाई, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी समय है शाम के 4:33 और अभी स्कूल की छुट्टी हो गई है। जैसा आप देख सकते हैं, बच्चे जो है अपने घर की तरफ रुक कर चुके हैं, और बच्चे जो है जब सब अपने घर जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो है 2 नंबर चोपना शुरू होता है। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि यहाँ का एकमात्र गवर्नमेंट बैंक है, और यहीं से सारे ट्रांजैक्शन चलते हैं। इस तरफ जो है सैंडविच एक्सप्रेस है, ये मेन रोड है जिसकी हालत काफ़ी खस्ता है। यहाँ पर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला लगता है, जो कि सार्वजनिक माँ दुर्गा पूजा समिति चोपना के द्वारा लगाया जाता है, और नवरात्रि के समय यानी दुर्गा पूजा का कार्यक्रम यहीं पर होता है। ये जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता बहुत सारे गांवों की तरफ जाता है, जिसमें चिकलपाटी, छोली और कौन कौन से गांव आते हैं इसमें अनुज? आया वो छोली है, एक छोली, दो नूतनडंगा, हिरनगट्टा,
चिकलपाटी, लखीपुर, रामपुर, घुघरी, भतोड़ी। इससे भी और भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर उस रास्ते के द्वारा जाया जा सकता है। इवन आमडोल और बटकीडो वगैरह भी उससे जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो आपको आगे से कट लेना पड़ता है। और ये जो है दोस्तों अभी भी दो नंबर चोपना ही चल रहा है। दोस्तों चोपना तकरीबन 1965 से 1970 के बीच बसाया गया था और रिहैबिलिटेशन हुआ था इस क्षेत्र का। पहले ये आदिवासी क्षेत्र था, लेकिन उसके बाद जो है बांग्लादेश से, और खासकर चोपना क्षेत्र में बांग्लादेश से ही लोग आए थे, और उसके बाद जो है इसे बसाया गया था, चोपना नाम दिया गया था, और साथ ही जितने भी आसपास के गांव हैं इन सभी जगहों पर जंगल था। बाद में इसे डेवलप किया गया और इसे बनाया गया चोपना क्षेत्र, जहां पर 36 से भी ज़्यादा गांव हैं। तो म्यांमार से आए हुए लोग उसमें रहते हैं सिर्फ 3 गांव में, जो है पहाड़पुर, बादलपुर और गोपालपुर। इसके अलावा सभी गाँव में बंगाली, हमारे बंगाली भाई ही रहते हैं। अब जो है दोस्तों यहाँ से 3 नंबर चोपना शुरू हो चुका है। हमारे साथ अनुज भाई हैं जो बाइक चला रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने में। दोस्तों ये 3 नंबर चोपना है जो मेनली रेसिडेंस के पर्पस से ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं, और यहाँ पर कमर्शियल यूज़ बहुत कम है 3 नंबर चोपना का ज़्यादा। ये स्कूल अभी रिसेंटली बनाया गया है MGM के द्वारा, है ना। और चोपना का एक ग्राउंड है जहां पर बच्चे खेलते हैं, इसे ठीक ठाक डेवलप कर दिया गया है। साथ ही ये आनंद सुपरमार्ट जो अभी रिसेंटली खुला हुआ है। आज मैं चोपना क्षेत्र के 3 गांवों को कवर कर रहा हूं। आपको भी लेना है, देखना बस संभल के। So, ये स्टूडेंट है चोपना क्षेत्र से, और साथ ही और भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं चोपना से, चोपना स्कूल के। इनका मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से चोपना क्षेत्र यानी चोपना के 3 गांव समाप्त होते हैं, है ना भाई। यहाँ अब हम जो है यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ से चल देते हैं। 3 नंबर चोपना का ये यहाँ पर खासकर जो भी टीचर्स वगैरह हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है रहने के लिए। ये जो है चोपना 3 की गलियां हैं, जहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनाए हुए हैं सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिए। ये जो है यहां का पीछे के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। ज़्यादातर जो घर है वो पक्के बन चुके हैं, कुछ ही मकान जो है सिर्फ कच्चे बचे हुए हैं अब इस क्षेत्र में, क्योंकि डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है अगर हम तुलना करें दूसरे क्षेत्र से। अंदर का एरिया है काफ़ी सुंदर बनाकर रखा गया है यहाँ पर गाँव को, और ख़ासकर बंगाली जो समाज के लोग हैं ये घर को, अपने जो बाड़ी है इसको काफ़ी साफ़ सुथरा, सुंदर और हरा भरा रखते हैं, बहुत तरह के प्लांट्स लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो है दोस्तों यश बुक स्टोर, हमारे प्रकाश चाचा की दुकान है, और ये रास्ता जो है ये स्कूल को जाता है, यानी चोपना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चोपना जिला बैतूल, जहाँ का मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये ज़बरदस्त स्कूल है, बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी डेवलप हो चुका है पहले से, आना भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यात्री प्रतीक्षालय है। तो आपको फ्रंट से दिखा दें, ये जो है नया तहसील ऑफिस बन रहा है, जो बनकर तैयार हो चुका है, बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो है ये चोपना थाना है, और ये जो है दोस्तों ये है पेट्रोल पंप जो अभी चालू नहीं है। दोस्तों हमने यहाँ पे ये रास्ता चुना है क्योंकि ये रास्ता जो है हमें एक ज़बरदस्त जगह पर लेकर जाने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं चोपना क्षेत्र की धरोहर है। ये देखिए ये है वो मंदिर।
जहाँ का मैंने एक एक्सक्लूसिव सा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, लेकिन फिर से चूंकि अब आ चुका हूँ यहाँ पर अनुज भाई के साथ, तो इस जगह को एक बार फिर से एक्सप्लोर करते हैं। और चूंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तब उस समय बारिश के मौसम से पहले आया था, तो ये जो पानी का लेवल है यहाँ पर वो इतना अच्छा नहीं था। अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पानी लबालब यहाँ पर भरा हुआ है, और साथ ही बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सनसेट होने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा होगा, और काफी अच्छे से इसे साफ सुथरा करके रखा भी गया है। तो अनुज भाई, इसे साफ सुथरा कौन करता है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? ट्रस्ट में है जो समिति है। अच्छा, ट्रस्ट में जो समिति के लोग हैं वही लोग इसे साफ सुथरा करते हैं। तो मंदिर काफी सुंदर है, काफी बढ़िया है। हे गाइस, सो मैं अभी चोपना क्षेत्र में हूँ, मेरे साथ अनुज भाई हैं जो मुझे यहाँ पे घुमा रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, यकीन मानिए, मतलब यहाँ पे आकर ना एक अपनापन सा लगता है, एक अलग ही खुशी सी मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र, अपनी जो मिट्टी होती है वो आपके दिल के बहुत करीब होती है। तो जब भी मैं आता हूँ भोपाल से यहाँ पर, तो मैं कहीं ना कहीं ज़रूर जाता हूँ। जैसे मैं इस बार आने के बाद मैं 3-4 जगह पर जाकर मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो मैं डेफिनेटली उन सारे व्लॉग्स को आप लोगों के लिए एडिट करके लाता रहूँगा। और अभी यहाँ से आगे जाते हैं, देखते हैं कुछ अगर अच्छे फुटेज होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं ज़रूर शूट करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले थे लेकिन लगता है कि गेट बंद है। ये भगवान श्री कृष्ण या विष्णु का जो है विशाल अवतार